अल्लाह के फजल से लाखों का सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कोच हूँ। लोग दोस्त में से पूछते हैं कि टेस्टोस्टेरोन तुम कहते हो ये बहुत बड़ी बेस है सेक्स की, तो हमें वो तरीके तो बताओ कि जिससे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो हम जो है वो मेल बन जाए, हम सेक्सी बन जाए, हम स्ट्रांग बन जाए, हम मस्कुलर बन जाए। तो मैं उनको जनरलाइज्ड किस्म की इंफॉर्मेशन जब देता हूँ कि आप जनाब एक्सरसाइज करें, आप गेम करें, आप चैलेंजिंग किस्म के काम करें, अपने आप को चैलेंज में लेके जाएं, फिर इसके अलावा आप कुछ ठंडे पानी से नहाएं, फिर गर्म से नहाएं, इसे कहते हैं कंट्रास्ट बाथ, तो उससे आपका टेस्टोस्टेरोन जो ना वो बूस्ट करेगा। सेक्स जो है बताते खुद एक टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का एक बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। तो ये मेरी बातें सुन के लोग जो है ना कुछ मायूस हो जाते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ एक्सरसाइज, ओ यार एक्सरसाइज कौन करे ठंडा, ओ ना ना इससे तो हमें बड़ी ठंड लगती है, नहीं यार खुदा ठंडे पानी का नाम ना लो यार, इससे तो मौत पड़ती है। तो फिर चैलेंजिंग काम से भी लोग भागते हैं। तो एक काम ही है जो कि हमारी कौम बड़ी खुशी से कर सकती है, वो है खाना पीना। यार कोई हमें को खुराकें बताओ जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए, हम खा पी सकते हैं बस। तो हमारी कौम को खाना पीना बहुत पसंद है और यही सबसे आसान काम है। देखे ना, इसमें आपको न्यूट्रिशन भी मिलती है, मज़ा भी मिलता है। तो मैंने कहा फिर मैं अपने दोस्तों को आज आसान तरीके बताऊं कि वो क्या क्या खुराकें खा सकते हैं जिससे वो उनका टेस्टोस्टेरोन जो ना वो उनमें बूस्टिंग मिल जाएगी। अच्छा, हमने देखा है कि सबसे जो अहम खुराकें उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में बड़ा की रोल प्ले करते हैं, मतलब उसमें जिंक है, ठीक है, जिंक सब जानते हैं, फिर मैग्नीशियम है, फिर सिलीनियम है, फिर कोलेस्ट्रॉल की भी एक अहमियत है, मैं आपको बताऊंगा जाके आगे कि इसकी क्या अहमियत है। तो प्रोटीन का एक रिच लेवल है, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इन्हेंस करती हैं। तो वो खुराकें जिनमें ये इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो पहले मैं कुछ ये भी बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन की जब प्रोडक्शन होती है बॉडी के अंदर, तो मसल्स भी पैदा होते हैं, बोन्स भी स्ट्रांग हो जाती हैं, नर्व्स भी स्ट्रांग हो जाती हैं, इंसान की कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि दिमागी सलाहियत भी इंक्रीज कर जाती है। सेक्स तो खैर छलांगे मारती है, वो तो वो छुल छुल के बाहर जाती है, किनारों से बाहर बाहर चली जाती है उसकी लहरें, तो वो सब स्पर्म की प्रोडक्शन भी इसी के ऊपर सारी डिपेंडेंट होती है, यानी कि इंसान की जो मैस्कुलिनिटी है वो सारी की सारी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर ही बेस्ड होती है। तो खुराकों में फिर हम बताते हैं कि सबसे पहले क्या अहम खुराकें, मिसाल के तौर पे मछली है, यानी कि जिसे हम फैटी फिश कहते हैं, सैल्मन फिश है, तो फैटी फिश जो है इसमें बहुत चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें प्रोटीन है ए ग्रेड की, बहुत टॉप लेवल की, फिर उसमें ओमेगा थ्री होता है वो बहुत अच्छे लेवल का इसमें पाया जाता है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है इंसान के लिए टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फिर इसमें जिंक पाई जाती है, ठीक है, जिंक जो है इसका बहुत अहम रोल है आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में। इवन जो जिंक जो है ये उस हार्मोन को भी कंट्रोल में करती है जो टेस्टोस्टेरोन को फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब मछली में बहुत सारी ऐसी अहम चीज़ें मौजूद हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में बहुत कलीदी किस्म का रोल रखती है। अच्छा, फिर मछली के साथ साथ हम देखते हैं कि आपके अंडे हैं, अंडे 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 में भी बहुत अलग किस्म की चीज़ें पाई जाती है, ख़ासतौर पर होल एग, यानी होल एग का मतलब है जिसमें सफेदी भी हो और जर्दी भी हो, यानी कि खास तौर पे हम अंडे में जो अहम चीज देखते हैं वो प्रोटीन के अलावा कोलिन होती है, ठीक है, फिर कोलिन के साथ साथ उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और मैंने बताया था
कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये असल में कोलेस्ट्रॉल ही से डिराइव एक एलिमेंट है जो कि यहां से ये बनता है. तो ये इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका ड्रॉप हो जाता है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाए. ठीक है, फिर अंडे में सेलेनियम भी पाई जाती है. ठीक है, विटामिन डी भी पाई जाती है जो कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है. सो अंडा जो है ये एक बहुत अच्छी गुदा है जो कि आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इन्हेंस करती है. लोगों ने इसके मतलब बहुत उल्टी सीधी बातें इसकी खासतौर पर योग के मतलब बना दी हैं और लोग बड़ा डर जाते हैं कि शायद पता नहीं ये क्या खतरनाक चीज है. मेरी अपनी स्टडी के मुताबिक 2 से लेकर 3 तक अंडे आप जो है वो डेली आप खा सकते हैं सेफली. कोई इतना बड़ा मसला नहीं है अगर कोई बहुत बड़ा मसला ना खड़ा हो गया हो. अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखा है कि जो लीफी वेजिटेबल क्या मतलब जो लीफ की तरह जैसे पालक है या जैसे वो होती है हम कहते हैं मूली के पत्ते होते हैं. ठीक है, इस तरह जो भी ग्रीन रंग की जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं इनमें बहुत सारी न्यूट्रिशन होती हैं. उसमें आयरन तो खैर होता ही होता है लेकिन साथ इसमें जो ना वो मैग्नीशियम होता है. मैग्नीशियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मैग्नीशियम जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहा होता है और फिर यही जो मैग्नीशियम है ये इन्फ्लेमेशन के खिलाफ लड़ रहा होता है. इन्फ्लेमेशन जब बॉडी में होती है तो इंसान का टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है. तो आपको मैग्नीशियम की जो सप्लाई है ये सलाद के पत्ते हो गए या पालक के पत्ते हो गए. मुझे याद है वो जमाने में हमारे हम छोटे थे तो पपाया का सैलर होता था तो वो ऐसे करके स्पिनिच खाया करता था और उसके बाद ऐसे डोले निकालता था और उसके बाद वो ब्रूटस को बड़ी फेंटी लगाया करता था. तो वो उसमें बात थी कि वाकई स्पिनिच में इस किस्म की चीजें हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को ये इन्हेंस कर देती है. फिर इसके बाद हम लोग कोको मैंने बताया था कि ये इससे चॉकलेट बनती है. खासतौर पर जो डार्क चॉकलेट होती है ये कोको से बहुत ज्यादा रिच होती है कंपैरेटिवली. तो कोको में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैग्नीशियम के अलावा भी उसमें बहुत अहम चीजें हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन में एक अपना रोल प्ले करती हैं. मिसाल के तौर पर उसमें बहुत सारे जबरदस्त किस्म के फ्लेवोनाइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. फिर उसमें क्यूरोसिटीन ये भी एक बहुत ही अहम एंटीऑक्सीडेंट है. यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में. और हमने देखा है कि कोको का सेक्स के साथ बड़ा कितना क्लोज रिलेशन है कि 14 फरवरी को लोग जो है वो एक दूसरे को दे रहे होते हैं चॉकलेटों का तोहफा दे रहे होते हैं. क्यों? यानी कि इसको खाने से इंसान के अंदर सेक्सुअल एक इन्हांसमेंट आती है और ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है बल्कि वेसल्स भी खुलती हैं और ख्वाहिश भी पैदा होती है सेक्स की. और लोगों में कहते हैं ऑर्गेज्म की पावर बढ़ जाती है, मजा बहुत आता है सेक्स का. और खासतौर पर वो डार्क चॉकलेट जिसमें ज्यादा कोको हो, 70% चॉकलेट उसमें कोको हो तो वो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा बेहतर है. सो कोको का शुमार भी जो टेस्टोस्टेरोन दोस्त खुराके हैं उनमें शामिल होता है. अच्छा, फिर कहते हैं एक अनार 100 बीमार. यानी कि अनार जो है ये इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट है कि आपको क्या बताएं. यानी कि रिचेस्ट सोर्स है ये. इसमें एक एक्सीडेंट अगर मैं गंवाना शुरू करूं तो पता नहीं इसमें गैलिक एसिड, कैटेचिन्स, फ्लेवोनाइड्स, पता नहीं क्या क्या किस किस नाम से इसमें पाए जाते हैं. और ये इसमें इन्फ्लेमेशन के खिलाफ ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर धुआं सा उठता है जो एनर्जी जब बर्न होती है तो एक धुआं सा उठता है, ये धुएं को अब्सॉर्ब करता है. और यही इन्फ्लेमेशन जो होती है जो कि किसी भी टॉक्सिन और किसी वजह से या किसी जरासीम की वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है ये जब लंबी हो जाती है इसे हम कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पैदा हो गई है. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि वो चीज़ें जो कि बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म करने के लिए निकल रही होती हैं वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाती हैं. और फिर यही जो इन्फ्लेमेशन है इसको फिर रोकने के लिए कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर पैदा होती हैं.
जिसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। तो ये जो आपकी हमारा अनार है, पोमीग्रेनेट है, ये जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और सो एंटी इन्फ्लेमेटरी जब ये अपना रोल प्ले करता है तो ये इससे आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी जो पावर्स हैं ये सिर्फ खाली अनार में नहीं है, ये तमाम बेरीज, ये ब्लू बेरीज हो गई और क्रैनबेरीज हो गई, ये अपने स्ट्रॉबेरीज हो गई, ये आपके ये जो हैं शतूत, ये भी एक किस्म की बेरीज होती हैं। तो यानी बेरी की तमाम किस्में जो हैं ये बहुत ज़्यादा रिच होती हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स में, और इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो है ये हेल्प करती हैं कि किस तरीके से ये टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन जो है वो इसमें इजाफा हो जाता है। फिर हमें विटामिन डी के सोर्सेज पता हैं कि जैसे हमारी मछली है या अंडा है, दूध है, यानी कि ये विटामिन डी को का एक बहुत डायरेक्ट रोल है। हमने देखा गया है जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल लो था तो उनमें विटामिन डी लेवल भी कम था। जब लोगों को विटामिन डी का लेवल लोगों में इन्हांस किया जाता है, क्योंकि वैसे भी मैंने देखा है लोग विटामिन डी जो है सूरज से कम ही लेते हैं, तो हमें खुराक से ही जितनी विटामिन डी लें उतनी आपके लिए फायदेमंद है, और वो उतना ही रोल जो है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में इसका रोल प्ले करती है। ठीक है, फिर इसके अलावा ये हमारी जितनी सी फूड है ये भी बहुत ज़बरदस्त, इसमें भी जिंक का, जैसे ओस्टर होते हैं, ओस्टर जो है बड़े लोग शौक ग्रेज शौक से खाते हैं और ये जिंक में बड़े रिच होते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो अब कुछ ऐसी चीज़ों का भी मैं जिक्र कर लूँ जो टेस्टोस्टेरोन की दुश्मन है। देखें तमाम वो खुराकें जो कि प्रोसेस फूड हैं, जो कि फैक्ट्रियों में बनती हैं, जैसे इवन गोश्त भी है, इवन डबल रोटी और दूसरी चीज़ें हैं, केक पेस्ट्रियाँ वगैरह, ये जो बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर एक मोटापा पैदा करती हैं और हमारी शुगर का लेवल हाई करती हैं, और उसकी वजह से शुगर के साथ साथ वो जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, तो ये ट्राइग्लिसराइड जो है ना और जो मोटापा और फैट दो चीज़ें पैदा करती हैं, ये आपकी टेस्टोस्टेरोन की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो मैंने कहा ना सिर्फ आपको टेस्टोस्टेरोन दोस्त चीज़ों का भी पता हो, आपको उसकी टेस्टोस्टेरोन की दुश्मन चीज़ों का भी मैं आपका कुछ ना कुछ तारफ करा दूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमने ये चैनल बनाया है लोगों की शफा के लिए, लोगों में मोहब्बत फैलाने के लिए। तो उम्मीद है कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।